कर लेंगे। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं 14 का। कह रहा है कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। अच्छा, उनमें पहली 6 संख्याओं का समांतर माध्य 19 है और अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है। यदि 7वीं संख्या 8वीं संख्या की 2/3 हो तो इन दोनों संख्याओं को निकालिए। चलिए इसका देखते हैं। हम लोग मान लेंगे कि माना x1 x2 x3 डॉट कहां तक, x15 तक कुल 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं। अच्छा, जिनका माध्य क्या दिया है, 20 दिया है, यानी हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 .. कहां तक, x15 तक, है ना, और बटा में 15 बराबर में 20। ये जाके 15 उसमें गुना कर जाएगा तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 .. कहां तक, x15 तक। क्या आ जाएगा, तो 15 × 300 आ जाएगा। इसको समीकरण एक मान लीजिए। फिर कह रहा है कि उनमें पहली 6 संख्याओं का समांतर माध्य 19 है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 कहां तक, ये x6 तक गए हैं, ठीक है। इनका समांतर माध्य 6 से भाग करेंगे बराबर में कितना लिखेंगे, 19, ये ना होगा। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, चलिए x6 बराबर में इसमें गुना कर देंगे तो 114 आ जाएगा ना, चलिए 114 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है। अंतिम 7 संख्याएं कौन सी होंगी, तो अंतिम 7 संख्याओं की तो पहले देखिए आप एक 15 लकीर खींच लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अंतिम 7 कौन सी होंगी, देखिए शुरू का तो ये 3, 3, 6 ये हो गई, अंतिम 7 ये वाली होंगी 3, 3, 6, 1, 7। मतलब कौन कौन से नंबर वाली, 6 के बाद 7, 8, 9 से शुरू होगा, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, है ना। तो यहां से आपको अंतिम 7 की बात करें ना, अंतिम 7 की समांतर माध्य 18 है। चलिए तो यहां से हो जाएगा, इसको तो समीकरण पहले 2 मान लीजिए, यहां लिखिएगा x9 10, है ना, कहां तक ये चल जाएगा, x15 तक, और बटा में कितना, 7 बराबर में हो जाएगा आपका कितना, 18 में 7 से गुना कर देंगे। चलिए तो हो जाएगा x9 प्लस x10 कहां तक, ये आपका x15 तक, 18 में 7 से गुना करिए तो 126 आ जाएगा, ये समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ एक काम करते हैं, x1 में से x2 और x3 को जोड़कर घटाते हैं। देखिए इसमें कम है ना, बीच में 7वां और 8वां गायब है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 तथा 3 को जोड़कर घटाने पर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे 2 और 3 को और समीकरण 1 में से घटाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए 6 है, x6 तक है, यहाँ 7, 8 गायब है, है ना। तो अगर इसमें से इन दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो आपका x7 और प्लस x8 आएगा ना, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 300 में से इन दोनों को घटाना होगा, 300 माइनस 114 और प्लस में 126, तो x7 प्लस x8 बराबर 300 माइनस 240, इसको घटा दीजिए आपका 60 आ जाएगा, आएगा ना। तो x7 प्लस x8 बराबर 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि आपके क्वेश्चन में ऊपर कह रहा था कि सातवीं और आठवीं संख्या है ना, सातवीं आठवीं संख्या का 2/3 है, सातवीं जो संख्या है आठवीं संख्या की क्या है, 2/3 है। कह रहा क्वेश्चन में ना कि सातवीं संख्या है ना, चूंकि सातवीं संख्या आठवीं संख्या का 2/3 है, 2/3 है। अब इसीलिए हम लोग x7 की जगह ये रख देंगे, तो इसलिए x7 की जगह क्या हो जाएगा, 2/3 x8 प्लस x8 बराबर में 60। एलसीएम ले लीजिए 3, 2x8 प्लस 3x8 बराबर में 60, यानी हो जाएगा 5x8/3 बराबर में 60। तो यहां से x8 का मान निकल जाएगा ना, तो यहां से हो जाएगा
एक्स एट बराबर 60 गुना 3 बटा में 5, 5 से इसको काट देंगे 12, 12 में 12 तो कितना जाएगा 36, एक्स थ्री का एक्स एट का मान 36 आ गया। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एक्स सेवन के बारे में, तो एक्स सेवन बराबर हो जाएगा 2 बटा 3 गुना एक्स एट का मान, तो एक्स एट का मान कितना है 36 है, इसको इससे काट देंगे 12 बार में, तो 12 दुना 24, तो 24 और 36 हो जाएंगी, बाकी जो संख्या है वो क्या होंगी 24 और 36। यहां से लिख देंगे सातवीं संख्या, सातवीं संख्या जो है आपकी, सातवीं संख्या वो है 24, और आठवीं संख्या जो है आपकी, आठवीं संख्या जो है वह क्या हो जाएगी तो 36। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसका थर्ड नंबर